हेलो एवरीवन, दिस इज आरजी, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो हम बात कर रहे हैं BFUHS स्टेट काउंसलिंग फॉर MBBS एंड BDS। आज मैं कोई एक्सपेक्टेड कट ऑफ डिस्कस करने नहीं आया हूँ, बिकॉज काफी दिन हो गए हमें एक्सपेक्टेड कट ऑफ डिस्कस करते हुए। और मैंने जो अपनी लास्ट वीडियो थी सेमी की, उसमें राउंड 3 तक डिस्कस किया था, एंड जो गवर्नमेंट सीट्स थी उसमें मैंने राउंड 2 तक ही डिस्कस किया था। लेट मी टेल यू वन थिंग, काफ़ी जो एक आज मैं बात करने आया हूँ वो बेसिकली NRI सीट्स के रूल के ऊपर बात करने आया हूँ। बेसिकली कह सकते हैं कि ये जो सीट्स हैं ये सारी की सारी राउंड 2 के बाद राउंड 3 में कन्वर्ट होनी होती हैं, क्लियर। बट इस साल बिकॉज NRI का एक रूल अमेंड हुआ है जिससे नंबर ऑफ NRI कैंडिडेट्स बढ़ने की पूरी पूरी आशंका थी, सो फाइनली हमारे पास NRI का लिस्ट आ चुका है और वो लिस्ट में है टोटल 66 कैंडिडेट्स। एंड अगर हम बात करें GMCs के अंदर नंबर ऑफ NRI कैंडिडेट के सीट्स की, तो NRI कैंडिडेट की सीट जो टेंटेटिव वैकेंसी लिस्ट BFUHS की वेबसाइट पे डाली हुई थी उसमें ये लिस्ट में नंबर ऑफ बच्चे कम हो गए थे। मैंने थोड़े दिन पहले भी सीट मैट्रिक्स डिस्कस किया था, उसमें मैंने बताया था कि ये नंबर ऑफ बच्चे जो हैं वो कम हो गए हैं बिकॉज जो एम्स मोहाली है, मतलब बेसिकली अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस जिसे हम GMC मोहाली कहते हैं, उसकी NRI की सीट्स जो हैं वो पहले से ही जनरल कैटेगरी में दिखा दी गई थी, तो सीट मैट्रिक्स में हमारी सीट्स बढ़ के 243 से 246 हो गई थी। नाउ अब बेसिकली इस वीडियो में मैं जो डिस्कस करने आया हूँ वो ये है कि प्रोविजनल मेरिट लिस्ट ऑफ NRI आने से पहले एक रूल आ गया है, ठीक है ना। अगर आप BFUHS के नोटिफिकेशन पेज पे देखें तो NRI की लिस्ट के नीचे भी एक नोटिस है रिगार्डिंग MBBS BDS NRI सीट्स अंडर द नीट UG। अगर आप इस पे क्लिक करोगे 2 पेज का एक नोटिफिकेशन निकलेगा। इस नोटिफिकेशन में एक रूल को अमेंड किया गया है और वो रूल ये है कि 9th ऑफ अगस्त 2024 को जो टेंटेटिव लिस्ट थी उसमें 15% इन ऑल प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हमने NRI को सीट्स दी थी। GGS मेडिकल कॉलेज फरीदकोट एंड उसके अंदर भी 15% सीट्स दी थी एंड 13 सीट्स पटियाला और अमृतसर के अंदर, 3 सीट्स GDC अमृतसर के अंदर एंड 4 सीट्स GDC पटियाला के अंदर NRI को दी गई थी। और अब ये जो है ये बदल गया है, तो अब ये जो है बदल के इसमें एक अमेंडमेंट कर दी गई, इसके साथ लिखा हुआ है, साथ वाले बॉक्स में लिखा हुआ है। और जो अमेंडमेंट है वो क्या है कि जो एम्स यानी कि AIMS वाला, एक आई कम वाला जो AIMS मोहाली है जिसे हम GMC मोहाली कहते हैं, उसके अंदर भी 15% सीट्स जो हैं वो NRI को वापस दे दी गई हैं। तो अल्टीमेटली 100 सीट्स हैं GMC मोहाली के अंदर, तो 15% मतलब 15 सीट्स। तो बेसिकली इस साल अब कह सकते हैं कि राउंड 3 में, मतलब टोटल पहली तो बात कर लेते हैं जो सीट्स हैं ओपन की, जो मैंने उस दिन सीट मैट्रिक्स में बोला था कि ज्यादा हो गई हैं, अब वो कम हो गई हैं। 243 से बढ़ के जो 256 हो गई थी अब बेसिकली वो 241 रह गई है, क्लियर। दूसरी बात, NRI की जो लिस्ट आई है उसमें पिछले साल 31% थे जो हम स्टेट, मतलब कह सकते हैं राउंड 1 की अलॉटमेंट में देख सकते हैं, बिकॉज सब बच्चों को ही सीट अलॉट हो जाती है पहली बार में MBBS, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कम होते हैं। इस साल जो लिस्ट है उसमें 66 बच्चे हैं। अब 64 तो भाई GMC में सीट्स हैं NRI की, फाइन। और इसके अलावा दयानंद मेडिकल कॉलेज विच इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट कॉलेज और CMC लुधियाना कह सकते हैं, तो ये भी वन ऑफ द चॉइसिस में रहता है MBBS के लिए NRI बच्चों की। तो मोटा मोटा से कह सकते हैं लगभग हर NRI बच्चे को सीट मिल जाने वाली। अब बात करते हैं कि इसका नुकसान किसे है, तो ये डायरेक्ट नुकसान है ओपन कैटेगरी के बच्चों को, बिकॉज राउंड 2 से राउंड 3 में ये सारी की सारी सीटें जो हैं वो कन्वर्ट होनी थी जनरल कैटेगरी के अंदर। तो अब ये इसमें अगर कन्वर्ट होगी भी तो बहुत ही माइन्यूट सी कन्वर्ट होगी, जो कि पहले 20 30 40 सीटें कन्वर्ट हो जाती हैं तो उससे रैंक जो है वो काफ़ी, जो कह सकते हैं हमारी जो कट ऑफ है वो काफ़ी गिर जाती है। तो अब वो जो कट ऑफ है गिरने के चांस नहीं है, क्योंकि राउंड 2 के बाद अपग्रेडेशन का ऑप्शन तो होता है पर रिजाइन करने का ऑप्शन नहीं होता। तो अपग्रेडेशन कैसे होगा जब ओपन कैटेगरी में और कोई सीट बचेगी नहीं और रिजाइन कोई करेगा नहीं, क्योंकि उससे सिक्योरिटी फॉरफिट हो जाती है। तो अल्टीमेटली ऐसा लग रहा है जैसे राउंड 3 का कोई मतलब ही नहीं रहा, और जो कट ऑफ हम कितने टाइम से पिछले रैंक के साथ कंपेयर करके निकाल रहे थे तो अब वो रैंक के साथ कंपेयर कर ही नहीं सकते,
ठीक है ना, अल्टीमेटली राउंड थ्री का कोई मतलब ही नहीं है, राउंड टू तक ही कट ऑफ जो है वो लगभग उसी के आसपास ही रहेगी। राउंड टू और राउंड थ्री की कट ऑफ में अब जनरल कैटेगरी के लिए मच चेंजेस आ ही नहीं सकते, क्लियर। सो ये जो कट ऑफ जो मैंने एक्सपेक्ट किया था, जो हमने बनाया है पूरे लॉजिकली एक एक रैंक सोच सोच के हमने बनाया था, उससे अब चला गया बिकॉज ऑफ दीज सीट्स, तो ये डायरेक्ट लॉस है ऊपर कैटेगरी के सीट्स के लिए। तो स्टिल खैर क्या कट ऑफ रहने चाहिए, मैं एक बार कल सारी कैटेगरीज के लिए राउंड टू तक के डिस्कस कर दूंगा, क्योंकि राउंड थ्री का अब मेरे ख्याल से उतना मतलब नहीं रहा है, क्लियर। तो स्टिल कोई क्वेरी होगी तो हम कमेंट सेक्शन में बात करेंगे, फिलहाल के लिए यही अपडेट है। मतलब मैं सारा दिन क्लासेस में बिजी होता हूँ, तो आज हमने कोई एक्सपेक्टेड कट ऑफ डिस्कस नहीं करा, बिकॉज कल से मेरे को ये था कि अभी एनआरआई वाला लिस्ट आ जाने दो, फिर ही कट ऑफ बनाने का फायदा, बिकॉज ओपन कैटेगरी की सीट्स का फर्क थोड़ा सा साथ वाली कैटेगरीज को भी पड़ता है, क्लियर। तो ये सब देखेंगे हम अगली नेक्स्ट हमारी एक्सपेक्टेड कट ऑफ में कि राउंड टू तक फिर क्या क्या जाना चाहिए। टिल देन बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।